जैकेट, दो मेरे पास सूट है जो कि बहुत मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे बाल को क्या हो गया? अभी हम लोग निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, एक राउंड लगा लिए, यहाँ पे गार्डन है पास में, तो अभी सेकंड राउंड लगाने जा रहे हैं। बहुत दिन बाद आज धूप निकला तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा है, थोड़ा सा विटामिन डी भी ले लिया जाए, नहीं तो यहाँ तो कंटिन्यू बारिश ही हो रही थी कुछ टाइम से। मॉर्निंग वॉक करके हम लोग जा रहे हैं घर, पहले यहाँ पे पी लेते हैं नारियल पानी। मैराथन में तो हमको भी दौड़ना था। अभी हो गया लंच का टाइम, लंच में मैं बना रही हूँ यहाँ पे, देखिए काला मटर इसे कहते हैं, बहुत लोग इसे केराव कहते हैं, तो इस केराव की सब्जी मैं बना रही हूँ। बिहार में इसे हम लोग गुदला कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ मसाला ले लिए हैं, 5-6 लहसुन की कली, 1 तेज़पत्ता, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 चम्मच जीरा, थोड़ा सा खड़ा गर्म मसाला ले लिए हैं, 2-4 यहाँ लौंग ले लिए, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 गोल मिर्च ले लिए हैं। तो चलते हैं, पहले यहाँ पे केराव को पीस लेते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे सारे केराव को डाल के दरदरा पीस लेंगे, इसमें पानी का भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो सारे को इसमें डाल के पीस लेंगे। 2-4 दाना इसमें खड़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इन सबको पीस लेंगे। और इससे मैं 2 डिश बनाऊँगी, 1 सब्जी बनाऊँगी और इसी का मैं कचरी भी बनाऊँगी। तो पहले बिना पानी डाले पीस लेंगे, ज़रूरत लगेगा तो 1-2 चम्मच पानी का यूज़ करेंगे। तो इसे कवर करके पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए पीस लिए हैं कुछ इस तरीके का, थोड़ा खड़ा भी रहने दिए हैं 2-4 दाने, या कुछ देखिए इस तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले मसाला और रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ जार में सारे मसाला को डाल देंगे, खड़ा गर्म मसाला और लहसुन जो दिखाए थे अभी, सारे चीज़ को डाल देंगे, बस तेज़पत्ता रहने देंगे और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे आधा प्याज कटा हुआ। तो यहाँ पर सारे मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। बहुत लोग इसे बॉयल करके भी बनाते हैं, बट मम्मी जैसे बनाती थी वैसे ही मैं भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आधा प्याज मैं डाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीस लिए हैं, चलते बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में डाल दिए यहाँ पे सरसों का तेल, आप लोग जो यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं, हम लोग सरसों तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्जी वगैरह में। यहाँ सरसों तेल गर्म हो गया था, इसमें 1 आलू छील के डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसमें बॉयल आलू का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं आलू छील के डाल दी हूँ, इसे थोड़ा देर अच्छे से पका लूँगी। सारे आलू को निकाल लेंगे इससे, ज़्यादा इसे अब पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सारे आलू को निकाल लिए हैं, सारे यहाँ आलू निकाल लिए हैं। चलते हैं मसाला रेडी कर लेते हैं। इसी कढ़ाई में यहाँ तेल बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल दिए हैं, 1 तेज़पत्ता डाल दिए हैं तोड़ के। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ओनियन मीडियम साइज़ का कट करके डाल दिए हैं। इसी टाइम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे ताकि प्याज जल्दी से पक जाए, गल जाए। तो यहाँ पे इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे नमक डाल के। तो यहाँ पे नमक डाल के इसे 4-5 मिनट पका लेंगे प्याज को मीडियम टू लो फ्लेम पे। तीन चार मिनट बाद यहाँ पे प्याज पक गया अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पे मसाला भी ऐड कर देते हैं, जो मसाला भी पीसे थे, तो सारा मसाला ऐड कर दिए। आधा चम्मच के करीब यहाँ मसाला मैं अलग कर ली हूँ, कचरी में मैं डालूँगी। तो यहाँ पे मसाला डाल दिए हैं, सूखा मसाला भी ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे किचन किंग मसाला डाल दिए हैं। और थोड़ा सा पानी जार में डाल के, थोड़ा मसाला लगा हुआ रह गया तो डाल के इसमें पका लेंगे। इसे हमें अच्छे से पका लेना है 4-5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाए। तो कवर करके इसे पका लेते हैं। रेड चिल्ली पाउडर देना भूल गए थे, तो यहाँ पे आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर दिए हैं, तो स्पाइसी थोड़ी सी अच्छी लगती है। इसमें दाल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसे चावल के साथ ही खाएंगे। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से पका लेते हैं कवर करके 4-5 मिनट। देखिए कवर हटा के चेक कर लेते हैं, मसाला अच्छे से पक गया, ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो यहाँ पर एक बार मिक्स कर लेते हैं, आलू अभी ही ऐड कर देंगे और
अभी केराव भी ऐड करके 2 मिनट के लिए इसे भी भून लेना है, फिर पानी ऐड करेंगे। मेरा प्लान नहीं था बनाने का, लेकिन कल मेरी मम्मी से भी बात हुई और सासू माँ से भी बात हुई तो दोनों जगह बन रहा था, तो पहले ही पूछ लिए थे क्या बनाना है, कल आप लोगों का फास्टिंग टूटेगा तो क्या खाइएगा क्या बनाना है, तो सब लोग बोले कि केराव की सब्ज़ी ही बनाएंगे, तो मैं भी सोची क्यों ना मैं भी बना लूँ। तो कल रात में मैं भी लाई, रात में ही इसे फूलने दे दी थी। तो बिहार में यूजुअली मुझे तो लगता है मेरे घर में मेरे परिवार में तो यही बनता है, कलों के फास्ट में सब तोड़ते हैं तो यही खाते हैं सुबह में, चावल सब्जी और कचरी वगैरह। तो बहुत जगह 5 तरह का सब्जी वगैरह बनता है, सब जगह सब तरह का रहता है, तो मैं भी सोची क्यों ना मैं भी बनाऊँ, सब जगह बन रहा है। तो 2 मिनट हो गए हैं अच्छे से, देखिए ये भुन भी गया है, अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं हम। पहले यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद 1 गिलास पानी और यूज़ करेंगे। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, ये ग्रेवी टाइप की मतलब कंसिस्टेंसी इसकी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं। तो यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिए, फिर 1 गिलास और डालेंगे और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि आधे अंदर में चिपके नहीं। तो इसे अब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, इसे कवर करके एक साइड रख देते हैं पकने के लिए और एक साइड कचड़ी की तैयारी भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइड यहाँ पे मैं चावल भी पकने के लिए दे दी हूँ, तो चावल भी ऑलमोस्ट हो ही चला है, पक ही चला है। चलते हैं यहाँ कचड़ी की तैयारी करते हैं। यहाँ पे इतना निकाल लिए थे केराव पिसा हुआ और थोड़ा सा यहाँ पे मसाला पीसे जो थे 1/2 चम्मच के करीब रख लिए थे, तो इनको भी डाल दिए इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे डाल दिए एक एक मीडियम साइज़ का, मीडियम से छोटा भी प्याज था तो वो डाल दिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिए कट करके। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन डाल दिए ताकि गैस वगैरह ना हो तो अच्छा रहता है अजवाइन। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे 2 चम्मच के करीब यहाँ बेसन भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दिए, बिना पानी डाले इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स, तो बहुत ही इजी बन जाता है और एक से ही 2 आइटम भी आपका बन गया, तो अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। एक साइड डाल दिया इधर पकने के लिए सब्जी और इधर पकौड़ी भी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में डाल देते हैं सरसों तेल, तो सरसों तेल यहाँ पे गरम हो गया है, यहाँ पे सारे कचड़ी बना लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, सारे को पका लेंगे। कुछ सेकंड बाद इसे पलट लेंगे, अलट पलट के इसे अच्छे से पका लेना है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे बीच बीच में इसे पलटते हुए। इधर चेक कर लेते हैं सब्जी, यहाँ देखिए पानी देखिए कितना ज़्यादा सूख गया है, थोड़ा सा ये ठंडा होगा तो और सूखेगा। यहाँ आलू भी पक गया है, सब्जी पक गई है, तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे बाद में इसे तड़का लगाएंगे तो और भी ज़्यादा इससे टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे पकौड़ी भी हो गया है, बस थोड़ा देर और पकाना है। कचरी हो गया, सारे को निकाल लिया है, यहाँ तड़का लगाते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच घी, घी गर्म हो गई इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग, 2 चुटकी यहाँ पे हींग डाल दिए हैं, 1 सूखा लाल मिर्च डाल दिए हैं, 1/2 चम्मच यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए हैं, तीखा नहीं होता कलर इससे अच्छा आता है। तो यहाँ पे हो गया है, इसमें डाल देते हैं। यहाँ हमारी सब्जी हो गई रेडी, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से, एक बार बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिए हैं,
देखने में भी अच्छा लग रहा है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देते हैं किस तरीके की रहती है, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं हो तो इस तरीके से आप लोग भी बना सकते। देखिए कुछ इस तरीके का रहता है, बहुत पतला भी नहीं बहुत गाढ़ा भी नहीं, तो इसमें दाल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे चावल के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कचड़ी भी बन गया है। और यहाँ पे मैं आंवला धनिया की चटनी भी बना ली थी, तो यहाँ पे दही भी ले लिए हैं। गर्मी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है थोड़ा पड़ना, तो यहाँ पे ठंडा ठंडा फ्रीज का निकला हुआ दही, ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, रेड चिल्ली पाउडर। तो यहाँ पे ये आज का हमारा स्पेशल सलन, चावल भी रेडी है। जा रही हूँ मैं मार्केट, दो मेरे पास सूट है जो कि बहुत पुराना हो चुका है, लिए हुए कुछ टाइम हो गया एक्चुअली, बहुत पुराना तो नहीं कहेंगे, तो उसकी लेंथ काफी लंबी दे दी थी, तो वही जा रहे अभी कटिंग करवाने के लिए। बॉर्डर वापस से कटिंग करके उसको लगा दीजिएगा। कितना लगेगा चार्ज? 90 रुपीज है दोनों का। इसका 40, इसका 50, इसका बहुत बीडिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, कब तक दे दीजिएगा? कल कितने बजे तक? शाम में या सुबह में? कल खुला रहेगा दुकान ना? कल सुबह दे 10-12 बजे। ठीक है तो कल ले जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आए हैं वाफल खाने के लिए, बेल्जियन वाफल। यहाँ पे बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी यहाँ का लगता है मुझे, तो मैं अक्सर इसे यहाँ पे आके खाते रहती हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर कर लिए, पैनकेक ऑर्डर दे दिए हैं, अभी बनने में 5-10 मिनट टाइम लगेगा। तो यहाँ शॉप के बाहर बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। दो वाफल ऑर्डर किए थे हस्बैंड अपने लिए, हनी बटर ऑर्डर किए थे और मैं XXX ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ और वीडियो इतना नज़दीक से बन रहा है मुझे पता नहीं चला, अभी एडिट करने टाइम पता चला। यहाँ मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, इतना सामने से बन रहा था। यहाँ मैं मज़े में खा रही हूँ और साथ ही साथ लास्ट में देखिएगा हस्बैंड का भी, यहाँ मैं कैसे मार रही हूँ। तो यहाँ का वाफल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद पड़ता है, तो थोड़ा सा देखिए हस्बैंड दे रहा है, मैं पूरा कैसे ले लिया अभी एडिट करने टाइम, देख के मुझे हंसी भी आ रही थी। फिर यहाँ पे मोबाइल रिपेयर करवाने आ गए थे, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पीछे पूरा पीछे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, देख रहे हैं पीछे बहुत ज़्यादा पता चलता है। यहाँ शॉप के सामने यहाँ देखिए कैट दिख गई, बहुत ही क्यूट थी, बहुत ही यहाँ पे मुंबई में आपको इजीली देखने को मिल जाएगी बिल्ली, बहुत ही क्यूट यहाँ की बिल्ली रहती है, डरती भी नहीं है। यहाँ पे आराम से देखिए यहाँ पानी पी रही थी, मेरे सामने बिल्कुल एकदम सामने थी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।